हेलो, वेलकम बैक टू गाइस न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में फ्रेंड हम बताने वाले, आप लोग ये जो देख रहे हैं लाइनिंग चल रहा है किनारे किनारे, इस लाइन को आप कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल से। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल इसी तरह आपका भी लाइन चलेगा और आप भी ऐसे अपने वीडियो में लगाएंगे तो आपका वीडियो एकदम मस्त और बेटर दिखे। तो फ्रेंड चलिए हम इसको बनाने का प्रोसेस आप लोगों को एकदम ईजिली तरीके से बता देते हैं कैसे इसको बनाते हैं। तो फ्रेंड चलिए काइन मास्टर को ओपन करते हैं और बनाकर आप लोगों को दिखाते हैं। बट उससे पहले फ्रेंड आप लोगों को थोड़ा काम करना पड़ेगा, तो चलिए पिक्सल लैब खोल लेते हैं एंड उसके बाद फ्रेंड यहां से हम ये प्रोजेक्ट कर लेंगे। एंड इसका जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड हम इसका थोड़ा मतलब चेंज कर देते हैं। यहाँ से जो मतलब ब्लैक करने के बाद स्पेस करेंगे, ऐसे पतला पतला स्पेस कर लेंगे, ऐसे बहुत पतला करके ऐसे ऐसे स्पेस कर लेंगे और इसका कॉपी करते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, मैंने इतना सब कॉपी कर लिया एंड उसके बाद ऐसे लाइन से लगाते चलेंगे। तो आप लोगों को भी ऐसे करके लगा लेना है। मैंने पूरे में लगा दिया एंड इसका जो है, चलिए फ्रेंड इसको थोड़ा कलर वगैरह दे देते हैं, मतलब जिस टाइप का हमको चाहिए। तो पहला ये रहेगा एंड दूसरा कलर। तो फ्रेंड कुछ इस तरह से आप लोगों को सारे में मतलब जितने आप इस पे टच करके अपना कलर भर देना है। पूरी तरह से कलर भरने के बाद सिंपली आप लोगों को इसको गैलरी में एक्सपोर्ट कर लेना है। कुछ इस तरह से एक्सपोर्ट कर लेना है एंड उसके बाद यहां से बैक हो जाते हैं। उसके बाद हम अपना खोलेंगे काइन मास्टर। उसके बाद फ्रेंड यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से 16:9 लेंगे। और उसके बाद फ्रेंड यहां से हम थोड़ा इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड ब्लैक कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहां लेयर पे क्लिक करेंगे एंड यहां पर देखिए इस पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद फ्रेंड इस पे क्लिक करके हम लोगों को इस पे सेलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड यहां पर क्लिक करके इसका कलर व्हाइट कर लेना है एंड उसके बाद इसका साइज मैं आप लोगों को जो अच्छा लगे वो वाला साइज कर लेना। एंड उसके बाद देखिए फ्रेंड आप लोग कुछ इस तरह से करना है। तो देख लीजिए मैंने कुछ इस तरह से कर दिया फ्रेंड। और देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं फिक्स साइज में फिट करने के बाद। उसके बाद देखिए बहुत अच्छा बनेगा। देख लीजिए हमने इसको फिक्स साइज कर दिया एंड उसके बाद फ्रेंड यहां पर लेयर पे क्लिक करेंगे एंड यहां मीडिया पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब पे क्लिक करेंगे एंड हमने जो कलर किया था फॉन्ट वो वाला कलर, तो देख लीजिए मैंने ये वाला कलर ले लिया फ्रेंड। एंड उसके बाद कुछ इस तरह से कर लेना हम लोगों को, पूरे में जूम कर लेना एंड उसके बाद कलर पे क्लिक करके हम लोग को यहाँ पर देखिए ब्लेडिंग लिखा है, ब्लेडिंग पे क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो देख लीजिए कुछ इस तरह से हमारा बॉर्डर जो है बनकर तैयार हो चुका है। एंड इसको मूव कैसे कराना है, इसको राउंडिंग कैसे दिलाना है, चलिए बताते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर कलर पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आउट ऑफ एनिमेशन इस पर क्लिक करेंगे एंड देखिए कुछ इस तरह से हो रहा है। तो फ्रेंड आप लोग अब देख सकते हैं हमने मतलब थोड़ा बहुत राउंडिंग करवा दिया। आप लोग को जैसा अच्छा लगे कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए इसमें से इन एनिमेशन इस पर क्लिक करेंगे, ओवर एनिमेशन, आउट एनिमेशन इस पर क्लिक करके आप लोग किसी भी प्रकार का इसको नचा सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए फ्रेंड जो हमारा फ्लेम है बनकर तैयार हो चुका है, थोड़ा बहुत बनकर तैयार हुआ है। अगर आप लोगों को ज़्यादा लंबा फ्लेम बनाना है तो आप लोग ऐसे इसको एक्सपोर्ट करके लॉन्ग कर सकते हैं, मतलब 2-3 बार इसको ऐड करेंगे ये लॉन्ग हो जाएगा। देख लीजिए कुछ इस तरह से चल रहा है हमारा फ्लेम। तो बस वीडियो ख़त्म करते, वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी भी हेल्प लगी हो हमारी वीडियो से तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको।